हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और हम लोग क्योंकि स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम न सिर्फ ये सीखें कि करेक्टली कैसे स्ट्रक्चर को सही बोला जाए, पर ये भी ज़रूरी है कि वर्ड्स को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस किया जाए। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स नहीं ले रही हूँ जिसमें कि मदर टंग इम्पैक्ट होता है या जो कि अंडरस्टूड होता है कि हाँ क्या बोला जा रहा है ना, लेकिन मैं वो वर्ड्स ले रही हूँ जो कि एक्चुअली आपका जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन जो होना चाहिए उसको कम्प्लीटली रुइन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उसको करेक्ट प्रोनाउंस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि ये गलत है इसलिए बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक ब्रेड को ब्रेड बोलना या स्कूल को स्कूल बोलना या कॉलोनी को कॉलोनी बोलना, ये वो वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत काम में आते हैं और वो गलत बोले जाते हैं। और ये मैंने कहाँ से सोचे हैं कि एक्चुअली मैंने दो कॉलम्स बनाए थे लेकिन इतने वर्ड्स ध्यान आते जा रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा ये बताना बहुत ज़रूरी है। जितने याद आए अभी मैंने सारे इंक्लूड कर लिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रिविजन, डिविजन। इसको बोलते हैं सब ऐसे, रिविजन, डिविजन, मेजर, डिसीजन, डिसीजन बोलते हैं, ट्रेजर, टेलीविज़न, ऐसे बोलते हैं। ये वर्ड्स में जो ज बोलते हैं ना वो गलत है, वो होना चाहिए ज साउंड। ये जो ज साउंड है ये इंडियन लैंग्वेजेस में तो शायद नहीं होता है, हिंदी में तो नहीं है, है ना। तो ये जो ज साउंड है यूरोपियन लैंग्वेजेस में होता है, तो वो साउंड यहाँ पर यूज़ होता है। रिविजन, डिविजन, मेजर, डिसीजन, ट्रेजर, टेलीविजन। अब क्योंकि हम ये ज बोलना सिखाते हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन बोलना भी शुरू कर देते हैं लोगों को लगता है कि कंपैरिजन बोलना गलत है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कंपैरिजन गलत है, कंपैरिजन सही है, ठीक है। फिर है प्रोनाउंसिएशन। इस वर्ड की मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे इस वर्ड की स्पेलिंग होती थी प्रोनाउंस जैसी स्पेलिंग होती थी, है ना। और फिर हमें पता चला नहीं, लिखते तो प्रोनाउंसिएशन जैसे हैं लेकिन बोलते प्रोनाउंसिएशन है, और इवेंचुअली इसकी स्पेलिंग भी चेंज हो गई, ठीक है। सी दिस इज़ बिकॉज लैंग्वेज इज़ डायनामिक, लैंग्वेज चेंज होती रहती है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन है ये वर्ड, तो ऐसे बोलना कि मुझे इसका सही प्रोनाउंसिएशन बता दो वो गलत है, हमें बोलना है प्रोनाउंसिएशन। फिर इस वर्ड को लोग बहुत गलत बोलते हैं जबकि ये स्पेलिंग से बिल्कुल क्लियर है कि ये इलैबोरेट है, द वर्ड इज़ इलैबोरेट। इसको इलोबरेट बोलते हैं, इसका मतलब होता है विस्तार से बताना, है ना। फिर इसको बोलते हैं इक्वालिटी, ये इक्वालिटी है, द वर्ड रूट वर्ड इज़ इक्वल और इक्वल से बनाए इक्वालिटी, इक्वालिटी नॉट इक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे ए है तो गलती से इसको इक्वालिटी बोला जाता है। फिर ये है लिपस्टिक, ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग टाइप का ही लगता है ये, पर इसको बोलते हैं लिपस्टिक, ठीक है। अब ये गलत है क्योंकि जहाँ आपने लिपस्टिक को लिपस्टिक बोला तो इम्प्रेशन आपका पूरा शैटर हो जाता है। ये है लिपस्टिक, तो मिरर के सामने खड़े होके या बार बार अपना अपने खुद को सुन करके हमें इसको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। इसको बोलते हैं पाउडर, ये वर्ड है पाउडर। इसको कहते हैं ओनियन, ये है अनियन। इसे कहते हैं कुकुम्बर, ये है क्यूकम्बर। इसे कहते हैं जूस, ये है जूस, य साउंड नहीं है इसमें। इसे कहते हैं एक्सेट्रा लेकिन ये है एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गए, ये स्नेक है और ये स्नैक्स है, स्नैक्स को भी स्नेक्स बोलते हैं। कई बार तो लिखा ही होता है ना, कितनी बार तो हम देखते हैं, लेकिन हिंदी में तो चलो ठीक है स्नेक्स लिख दिया, ए की मात्रा लगाई, आई की मात्रा लगाई, लेकिन इंग्लिश में बोलते वक्त भी यू आर वेलकम, यू आर इन्वाइटेड फॉर टी एन स्नेक्स, स्केरी। ये वर्ड है लायन, लॉयन वर्ड अलग है और उसका मीनिंग भी अलग है। दिस वर्ड इज़ लायन, ठीक है। अजीत बोलते थे, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता,
वो गलत बोलते थे ना, ये लायन है, इसको मैंने बोलते सुना है लियोपार्ड, विच इज रॉन्ग, इट इज लेपर्ड, लेपर्ड। इसे मुझे वहाँ पे अपना जॉब के लिए रिज्यूम देना है, ये रिज्यूम नहीं है, ये है रेज्यूमे, रेज्यूमे, ठीक है। इसके ऊपर ये एक्सेंट्स हैं दो, इसको कहते हैं एक्सेंट और ये वर्ड है रेज्यूमे, ठीक है। इसे कहते हैं जो कार्डबोर्ड का खोखा होता है उसको बोलते हैं कार्टून, कार्टन, कार्टून नहीं कार्टन, जो भी पैकिंग होती है जैसे दूध जिसमें आता है या जूस जिसमें आता है वो होता है कार्टन। इसे कहते हैं पिज्ज़ा, और हिंदी में लिखते भी ऐसे ही हैं, पिज्ज़ा ही लिखते हैं, लेकिन ये होता है पिज्ज़ा। और इसे कहते हैं, इसे ब्रेकफास्ट, क्योंकि फास्ट को ब्रेक किया जाता है, लेकिन जब हम इसको एक मील का नाम दे देते हैं तो हम इसको अलग अलग जो इसके वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है वैसे नहीं करते, इसे फिर हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रुप, ट्रुथ, टूथ, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ग्रुप, ट्रूथ, टूथ, मतलब इसको हम गलती से छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं, ये गलत है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप, ट्रूथ एंड टूथ। फिर इसको ड्रावर बोलते हैं, ये है ड्रॉर, क्योंकि उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी तरफ उस शेल्फ को और वापस लगा सकते हैं, ये ड्रॉर है, ठीक है, ये ड्रावर नहीं है, और ये कपबोर्ड नहीं है, ये कबर्ड है, कबर्ड। ये इसको बोलते हैं रिफाइंड फ्लोर, मैंने रेसिपीज़ में सुना लोगों को फ्लोर बोलते हुए, ये है फ्लावर। इसको बोलते हैं जेंट्स, ये जेंट्स नहीं होता है, जेंट्स टेलर नहीं, ये होता है जेंट्स, और जेंट्स एक इनफॉर्मल वर्ड होता है जेंटलमैन के लिए, जेंटलमैन से शॉर्ट फॉर्म बनता है जेंट्स। अच्छा, कुछ कलर्स को जो मिस प्रोनाउंस करते हैं हम, वो हम सीखना हमको बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं मेहरून, ये है मरून, और ये है एक होता है वुमन, सिंगुलर होता है वुमन, प्लूरल होता है विमेन, ये बहुत ज़रूरी है हमको जानना, ठीक है, ये विमेन, क्योंकि ये हो सकता है ना इंटरव्यूज़ में इसमें या कोई ग्रुप डिस्कशंस में यूज़ होता है ना, विमेन्स, द रोल ऑफ विमेन इन द 21st century, तो ये विमेन होता है ना, ये वुमन नहीं होता है या वुमन्स नहीं होता है। फिर ये एक्सटेम्पोर नहीं होता है, ये होता है एक्सटेम्परी। ये ब्लू और ब्लू, ये दोनों ही ब्लू हैं, ब्लू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई डब्ल्यू है तो ई यू नहीं हो जाता है वो, और इसको भी ऐसे ही कुछ गलती से ऐसे प्रोनाउंस होता है, तो ये दोनों ही ब्लू हैं, ब्लू नहीं है, ठीक है। सो विद दिस आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ कॉमन एरर्स रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन। आई होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू, एंड आई होप यू विल कीप लिसनिंग टू दिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड विल नॉट रिपीट दीज मिस्टेक्स अगेन। सो विद दिस आई कम टू दिस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू।